श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम कृष्ण गच्छति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य, भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूल नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, श्री भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। श्री भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि इस साक्षात्कार की यह सर्वश्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः अस्वस्थ होने की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों ना स्वीकार करे किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। द्वितीय मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसे पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगत चलित मानसः अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव से संबंध में जिज्ञासा करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच,
अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमने इस अध्याय के पूर्व श्लोकों में समझने का प्रयत्न किया, अर्जुन के प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं योग विधि के माध्यम से। ये ध्यान योग में भगवान अष्टांग योग की विधि का वर्णन करते हैं, कैसे हमारा संबंध परम सत्य के साथ स्थापित हो सकता है। तो भगवान विधि का वर्णन करते हैं कि कैसे एक सुचय पवित्र स्थान में जाना, प्रकार एक प्रकार के आसन को पालन करना, ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना, नाक के अग्रभाग पर ध्यान करना, आंखें आधी खुली आधी बंद। तो इस विधि को सुनने के बाद अर्जुन का भगवान को ये उत्तर था कि ये संभव नहीं है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने जब इस योग विधि को सुना तो उन्हें एक प्रामाणिक व्यक्ति की तरह भगवान को बताया कि ये संभव नहीं है। और क्या कारण है? योगच चलितमानसः, क्योंकि मन बहुत चंचल है। पूर्व श्लोकों में अर्जुन बताते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो भगवान कहते हैं कि इस चंचल मन को वश में करना संभव है अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से। तो भगवान अर्जुन को विश्वास प्रदान करते हैं कि ये मन जो है चंचल है, बलवद है, दृढ़म, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है प्रामाणिक प्रक्रिया के अभ्यास के माध्यम से और भौतिक विषय वस्तु के प्रति वैराग्य के माध्यम से इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सुनने के बाद अभी अर्जुन का ये प्रश्न है कि अगर कोई गंभीर व्यक्ति इस योग विधि को ग्रहण करता है, जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार से ये प्रामाणिक योग विधि को कोई गंभीरता से ग्रहण जरूर करता है और उस मार्ग में आगे बढ़ता है, लेकिन संभावना ऐसी हो सकती है क्योंकि मन तो अभी दूषित है, भौतिक वस्तुओं से आसक्त है, तो पुनः फिर से वो उन वस्तुओं से आसक्त हो सकता है और वो आसक्ति के कारण इस योग मार्ग को छोड़ सकता है, योग अभ्यास से विचलित हो सकता है। तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? वो तो ना इधर का ना उधर का, किसी भी स्थान में लाभ नहीं मिला। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है। प्रकृति के गुणों और उन गुणों से बने हैं विषय वस्तु, उन्हीं गुणों से बनी है इंद्रियां। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय का जब संसर्ग होगा तो भगवद गीता में भगवान जैसे पहले समझाए, ध्यायतो विषयान पुंसस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। के मन को नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन जैसे ही अगर इंद्रिय विषय का वेग बढ़ गया तो संभावना है कि वो योग मार्ग से च्युत हो जाएगा। तो वो तो ना तो भौतिक जगत में कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है और ना ही आध्यात्मिक गंतव्य जिसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना? उसकी स्थिति क्या होगी? तो अगले श्लोक में और विस्तृत रूप से अर्जुन इस प्रश्न को भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं वे, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना ब्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो श्रील प्रभुपाद
यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भौतिक चीज़ों से अनासक्त होना पड़ेगा। बिना भौतिक चीज़ों से अनासक्त हुए आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हमने पहले भी चर्चा किया ना कि दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चलती। अगर एक पांव एक नाव में है, दूसरा पांव दूसरी नाव में है, तो अवश्य ही डूबना होगा। तो जब योग मार्ग को गंभीरता से लेते हैं तो विषय वस्तु से विरक्त होने का प्रयास, और विषय वस्तु से विरक्त होने का प्रयास मतलब जो विषय सुख था वो नहीं मिलेगा। जो योगी बनना चाहता है तो उसके लिए ये सब कड़े नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा खाना, इधर उधर घूमना, हाँ। तो योग मार्ग में जब व्यक्ति रत हो जाता है तो भौतिक चीजें तो चली गई, वो तो उसे प्राप्त नहीं हुई, और किसी कारण से अगर वो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है तो योग मार्ग में जो सिद्धि वांछनीय थी वो सिद्धि भी नहीं मिली, तो ना इधर के ना उधर के। अर्जुन इस उदाहरण को कैसे समझाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि उनकी उनकी स्थिति कैसी होगी, एक बादल के समान। जैसे हम देखते हैं आकाश में बादल है, तो बादल से एक छोटा सा, बादल के एक समूह से एक छोटा सा बादल अलग अगर विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, और उस छोटे समूह से वो किसी बड़े समूह में लग जाएगा, तो उसे कुछ लाभ प्राप्त हुआ, कुछ बड़ा स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इस छोटे समूह से अगर बादल विलग जरूर हो गया लेकिन बड़े समूह में लग नहीं पाया, तो क्या है, जो आकाश की जो वायु है वो उसको बहा ले जाएगी और धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति होगी भौतिक जीवन में, जैसे आज हम देखते हैं भौतिक जीवन अर्थात अधिक से अधिक पैसा कमाना। पैसा क्यों कमाना, क्योंकि यही पूरा प्रशिक्षण है, यही पूरा विचार है कि अधिक से अधिक धन कमाने से हम अधिक से अधिक चीज़ें एकत्रित कर सकते हैं, चीज़ों को बटोर सकते हैं, और जो अधिक से अधिक चीज़ों को बटोरता है, उनका संशय करता है, उसको सुख मिलता है। क्योंकि वर्तमान में सुख की क्या परिभाषा है, इंद्रिय वस्तु, अच्छा घर अच्छी गाड़ी, हाँ, इसलिए पढ़ाई भी, बड़ी डिग्री होगी तो बड़ा जॉब मिलेगा, बड़ा जॉब होगा तो बहुत धन मिलेगा, बहुत धन मिलेगा तो फिर एसी कार, घर, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, हाँ, और जो प्रतिष्ठा भी जो हम लोगों से चाहते हैं कि लोग हमारा मान सम्मान करें, वो भी इसी तरह से, धन होगा तब तो लोग मान सम्मान करेंगे, वरना तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। तो ये विचार है। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी नहीं मिलेगा और आध्यात्मिक जीवन भी नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि वो बादल के समान स्थिति होगी। कैसी स्थिति है, प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, न तो वह भौतिक सुख भोग पाता है, न ही आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड में मिल जाता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। तो ये स्थिति है। अर्जुन का ये प्रश्न है सब सुनने के बाद कि यद्यपि भगवान आप कह रहे हैं इस योग विधि को मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अगर उसको पूर्ण नहीं कर पाया तो क्या स्थिति होगी। तो आध्यात्मिक जीवन में हमेशा ये प्रश्न होता है, अगर वापस आ गए तो क्या होगा। अभी तो आध्यात्मिक जीवन गंभीरता से ग्रहण कर रहे हो, लेकिन जब वापस आ गए तो क्या होगा, है ना। और हम देखते हैं आगे भगवान अर्जुन को बताएं कि एक सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपमान जो है वो तो मृत्यु से भी ज्यादा असहनीय है। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति सम्मान्य व्यक्ति के लिए मरण से भी ज्यादा है, तो क्या स्थिति होगी उस योगी की, जो इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं
अर्जुन के जो प्रश्न है, अर्जुन आगे भगवान से प्रश्न करते हैं, एतन् मे संशयम् कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चित्तानः युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन भगवान से कह रहे, ये मेरा संशय है और आपके सिवाय इस संशय को कोई नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी, और अर्जुन उनके मार्गदर्शन में है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कच्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान अर्जुन को उत्तर में बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में नहीं परक लोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो ना तो इस लोक में विनाश होगा, ना ही अगले जीवन में विनाश होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कार्य में लगा है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसा कैसे होता है, क्या कारण है, तो अर्जुन यहाँ पर चीज बता दे, अयति ही, यति ही मतलब आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवीण है, अयति ही असफल योगी श्रद्धयोपेत, वो इस योग मार्ग में लगा है पूरी श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी समझ के या बिना किसी निष्ठा के इस मार्ग में लगा है, ये स्थिति नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि योग मार्ग में असफलता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए, वो गंभीर ही नहीं है योग मार्ग में। मतलब क्या कह रहे हैं, कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे कैजुअल या केयरलेस, ट्राई करते हैं, अपने आप को सौंप नहीं रहा है उस विधि में। जैसे योग विधि है उसके अलग अलग सोपान है, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि तक। तो पहले जो सोपान है यम नियम, विधि विधानों को पालन करना, तो अगर व्यक्ति गंभीर नहीं है विधि विधानों को पालन करने के लिए तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है, योग विधि वैज्ञानिक विधि है। और जैसे विज्ञान, अगर विज्ञान की प्रणाली को हम पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं भक्तिमय जीवन में भी ऐसी स्थिति है, भक्तिमय जीवन में सभी विधि निषेध है, करणीय और अकरणीय। जैसे अनुकूल चीजों को ग्रहण करना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं प्रातः जल्दी उठना, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के दिव्य नामों का जप करना। जो गंभीर भक्त हैं श्रील प्रभुपाद उनके लिए विधि बताए, 16 माला जप करना, दिव्य प्रकाशित शास्त्र जो प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं उनका गंभीरता से अध्ययन करना और हमारा जीवन उसके अनुसार नियोजित करना, और पापमय जीवन में संलग्न नहीं होना, मांसाहार नशा जुआ व्याभिचार, हर एक चेष्टा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, असत व्यक्तियों का संग परित्याग करना। कई बार हम देखते हैं भक्ति प्रगति नहीं होती, क्यों प्रगति नहीं हो रही है? हम रविवार को 3 घंटे सुनने के लिए आते हैं लेकिन हर रोज कई घंटे हम असत व्यक्तियों के साथ व्यतीत करते हैं जो हमको भ्रमित करेंगे, और हमारा समय प्रजल्प इन विषयों में बिताना जिसका कोई कृष्ण से संबंध नहीं है। तो अगर व्यक्ति गंभीर है ही नहीं, इन सब चीजों को ध्यान से अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं कर रहा है, जैसे भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवान के दिव्य नामों का जप करना, हाँ, और व्यक्ति जप कर रहा है उसे पता नींद आ रही है फिर भी सतर्क नहीं हो रहा है, हाँ, या जप असाधारण रूप से कर रहा,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो जब कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, वो गंभीर नहीं है इस विषय में। और जब कोई उसे बताता भी है कि आप जब सही से नहीं कर रहे हैं, आप इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सुबह मंगलारती में नहीं आते हैं, आप चाय पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, लेकिन वो गंभीर नहीं है, तो वो योग मार्ग कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये कारण है योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करना। लेकिन यहां अर्जुन का जो प्रश्न है, अर्जुन कह रहे हैं अयति श्रद्धयोपेतो, श्रद्धयोपेतो अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ योग के विधि विधानों को समझकर उन नियमों को पालन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या स्थिति होगी, योगा चलित मानसा, योग में है चलित मानसा, मन तो चंचल है। और चंचल मन क्यों है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से वो शरणागत नहीं हो पा रहा है, भौतिक चीजों से आसक्ति है, जब तक उससे दूर है तब तक वो बचा हुआ है। जैसे ही वो भौतिक विषयों के संपर्क में आया और मन तुरंत ही उससे आकर्षित हो जाता है, क्योंकि हृदय में उसको भोगने की अभिलाषाएं हैं, बीज रूप में है। तो जब प्रयास से या अनायास रूप से इनका संपर्क हो जाए तो संभावना है कि योग मार्ग से वो गिर सकता है। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पहले भी हम चर्चा किए हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि, वो योग अभ्यास में लगे हुए थे तो उन्होंने नहीं प्रयास किया कि मैं मेनका जैसी किसी सुंदर स्त्री का दर्शन करना चाहता हूं, ऐसा कोई विशेष उनका प्रयास नहीं था। लेकिन इंद्र ने देखा कि ये योग अभ्यास में लगे हैं और आगे जाके मेरा जो पद है उसी को खतरा है, तो उन्होंने ये योजना रची, उन्होंने मेनका को भेजा। और जैसे ही मेनका के पायल की आवाज को उन्होंने सुना तो फिर उनके लिए कठिन था उनकी इंद्रियों का संयमन करना, और इस तरह से वो योग अभ्यास से च्युत हो गए। और फिर पुनः जब उन्हें स्मरण होता है कि ओ ये क्या हो गया है, तो फिर से वो योग मार्ग में संलग्न होते हैं। ऐसे हम देखते हैं भरत महाराज के जीवन में, आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करेंगे, भरत महाराज बहुत छोटी आयु में पूरे राज्य, अपनी सुंदर पत्नी, परिवार, प्रजा सबका परित्याग किए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और वन में प्रवेश किए, लेकिन वहां पर एक छोटे से हिरण से आसक्त हो गए। पूरा राज्य तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन यहां ये विचार कि अभी कौन इसका ध्यान रखेगा, तो उससे आसक्त हो गए। और फिर हम देखते हैं दूसरे जीवन में कैसे वे हिरण के शरीर धारण करते हैं और उसके पश्चात जड़ भरत, एक ब्राह्मण परिवार में वे आते हैं और फिर वहां से उस योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि कोई विशेष प्रयास नहीं है योग मार्ग से नीचे गिरने का। कई बार प्रयास हो भी सकता है, एक व्यक्ति सोचता है कि यहां पर थोड़ा सा योग अभ्यास करूंगा और फिर थोड़ा सा धन देखूंगा और कब अवसर है तो वो तो जानबूझ के योग अभ्यास से नीचे जाते हैं। लेकिन यहां विशेष प्रयास नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन उत्पन्न हो गई। श्रील प्रभुपाद अजामिल के बारे में बताते हैं, अजामिल ब्राह्मण बालक, पिता से प्रशिक्षित थे, सुचि संपन्न, सभी पवित्रता की शिक्षा पिताजी ने उनको संस्कार सारे दिए। और पिताजी की सेवा करने के लिए एक दिन पिताजी ने कहा जाओ वन से कुछ फूल इत्यादि सामग्री लेकर आओ, और वहां पर एक शूद्र और एक शूद्राणी, अभद्र स्त्री और एक पुरुष को आलिंगन करते हुए देखते हैं, और ये भी स्मरण है कि ये नहीं देखना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर इंद्रिय विषय, इंद्रियों के पर उनका जो प्रबल प्रभाव है, तो विचार करते ठीक है देखते हैं, और देखते हैं, और फिर उस स्त्री को प्राप्त करने की अभिलाषा, और उस अभिलाषा से फिर अब वो प्रयास कर रहे हैं पूरा, घर पे पत्नी है, लेकिन अब विचार करते ठीक है पत्नी को कैसे बाहर निकाला जाए। तो अनायास संपर्क हुआ और फिर धीरे धीरे प्रयास होना शुरू हो जाता है। तो ये अर्जुन का यहां प्रश्न है, योगाचलित मानस, उस व्यक्ति क्या स्थिति होगी। तो भगवान कहते हैं कि
उसके प्रयास कभी विनाश नहीं होंगे। ये द्वितीय अध्याय में भगवान इस विषय को पहले समझा चुके हैं। भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस आध्यात्मिक मार्ग में किए गए प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन भौतिक प्रयासों की स्थिति ऐसी है अगर पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वो प्रयास सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि कोई भौतिक डिग्री प्राप्त करने जाता है, ग्रेजुएशन डिग्री, उसने एक साल इंजीनियरिंग किया, दो साल इंजीनियरिंग किया, तीन साल इंजीनियरिंग किया और 3.5 साल करने के बाद इंजीनियरिंग छोड़ दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसे डिग्री मिलेगी? उसका कोई मूल्य रहेगा? कोई मूल्य नहीं है, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसी स्थिति होगी, किसी ने एक सोपान, दूसरे सोपान, तीसरे सोपान तक प्रगति की है और अगर वो सिद्धि पूर्ण नहीं हुई तो क्या गति होगी? तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं, पहले तो भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। भगवान कहते हैं हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। और भगवान प्रगाढ़ता के साथ यहां भगवान कहते दुर्गतिम तात गच्छति, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। तात, तात अर्थात मित्र, भगवान अर्जुन को मित्र के रूप से संबोधित करते हैं, जैसे एक पिता पुत्र को कह रहे हैं या गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं, इस प्रकार अर्जुन को पहले भगवान आश्वस्त करते हैं, चिंता मत करो उसकी दुर्गति नहीं होगी। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान कहते हैं असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। एक व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट क्यों होता है? क्योंकि हृदय में भौतिक अभिलाषाएं हैं। वो अभिलाषाएं कहीं ना कहीं उसको खींच लेती है। तो भगवान कह रहे हैं पहले क्या अवसर होगा ऐसे जो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, तो पहले उसकी जो भौतिक इच्छा है उसको भोग करने का अति सुवर्ण अवसर और अच्छे से अवसर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयास कर ले। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृताम लोकान, ऐसे लोगों को प्राप्त करेगा जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो वैदिक शास्त्रों में विशेष रूप से बहुत सारा भार इस प्रकार के पुण्य कर्मों के विषय में है, जिसे कहते कर्मकांड। कर्मकांड, इस जगत में हम अच्छे कार्य कर रहे हैं धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए, जो वैदिक विधि के अनुयायी हैं वो समझते हैं कि ये जीवन अच्छा है, लेकिन ये जीवन अच्छा है क्योंकि हमने पूर्व जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, ये जीवन पूर्व जीवन पर आधारित है, इसलिए इस जीवन में और अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे आगे का जीवन जो हमारा है वो भी अच्छा हो। और वो अच्छा जीवन की और परिभाषा क्या है, वो कहते हैं अच्छा जीवन मतलब स्वर्ग लोग को प्राप्त करना। सामान्य हम लिखते किसी का देहांत होता है तो अच्छे शब्दों में कहते स्वर्गवास हो गया, स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, क्योंकि जीवन का सुख उनकी परिभाषा में क्या है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करना। स्वर्ग लोक में क्या है, नवयुवक शरीर है, यहां सब नवयुवक रहने का प्रयत्न करते हैं लेकिन होता नहीं है, है ना। तो नवयुवक शरीर है, अप्सर आए हैं, सबके अपने अपने विमान हैं, नंदन कानन वन है, सोमरस है पीने के लिए। तो इस प्रकार से जो आज हम प्रयास कर रहे हैं दुबई जाके अमेरिका जाके जिस प्रकार का सुख प्राप्त करना, वहाँ पर बहुत चिरकाल के लिए है। भगवान कहते हैं उषित्वा शाश्वती समा, उषित्वा मतलब वहाँ निवास करना, शाश्वती समा इतने चिरकाल के लिए जैसे वो शाश्वत समय है, क्योंकि देवताओं के लोक में एक दिन मतलब हमारा एक वर्ष, और वहां पर इस प्रकार से हजारों साल व्यतीत करने करना है ना, जिसकी हम अभिलाषा करते हैं। तो भौतिक इच्छा के कारण वो जाएगा वहां पर और इस प्रकार का सुख उपभोग करेगा स्वर्ग लोक में।
तो ये हम देखते हैं शास्त्र में संस्तुति है बार बार, स्वर्गलोक स्वर्गलोक। आगे भगवान द्वितीय अध्याय में बताते हैं, यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवद्यत्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फला फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोग ऐश्वर्यं गतिं प्रतिहि। वेदवादरता, जो वास्तव में वेद का जो सार है उसको नहीं जानते, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि वे वेद के अनुयायी है। वास्तव में सारे वेद वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भगवद्गीता में भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण उनको जानना। ये सभी शास्त्रों का मर्म है। भगवद्गीता में भगवान इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज तथा कथित पुण्य कर्म से स्वर्ग लोक जाने का जो तुम्हारा प्रयास है, और इस प्रकार से जो कैटर धर्म बनाए हैं उन सब धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज। ये वैदिक शास्त्रों का सार है। तो जो लोग अपने आप को वैदिक शास्त्रों के अनुयायी कहते हैं लेकिन इस विषय को नहीं इस निष्कर्ष को समर्पित नहीं होते हैं, उनके लिए क्या है? क्रिया विशेष बहुलाम, बड़े बड़े यज्ञ करना, अलग अलग प्रकार का दान करना, भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति ही। जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग और ऐश्वर्य ये प्राप्त करना, और वो कहाँ पर प्राप्त होगा? स्वर्गलोक में। तो वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां पर शाश्वत समय के मतलब चिर काल के लिए इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। नवयुवक अवस्था, अपने विमान, नंदन कानन वन, अप्सराएं इत्यादि, लेकिन वहां पर लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। जब हमारा पुण्य कार्य क्षीण हो जाएगा तो वहां से फिर इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे उदाहरण, हम यहाँ से जाते हैं दुबई इस प्रकार का भोग विलास करने के लिए, जब तक जेब में धन है तब तक ये संभव है। जैसे ही धन समाप्त होता है तो फिर पुनः आना पड़ता है यहाँ पर, और फिर परिश्रम करना पड़ता है, फिर और धन मिलेगा तो फिर कुछ सालों के बाद फिर जाएंगे, फिर आएंगे। हाँ, गतागतम काम कामा लभन्ते, भगवान कहते हैं नौवे अध्याय में। इस प्रकार से गत अगतम, जाना आना जाना आना जाना आना, ये कार्य हमारा चल रहा है, और इस प्रकार से माया हमें प्रताड़ित करती है। और बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद समझ में आएगा कि वास्तव में ये कोई परम गति नहीं है। तो लोगों की आसक्ति है स्वर्ग लोक में जाना। और हम देखते हैं विभिन्न धर्मों में भी इस प्रकार से संस्तुति की गई है, जन्नत स्वर्ग को प्राप्त करना, उसे वे परम गंतव्य मानते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों में इसका स्पष्ट शिक्षा है कि ये परम गंतव्य नहीं है। परम गंतव्य है आध्यात्मिक जगत। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं ममः। इस जगत के सारे लोग, निम्न लोक, मध्य लोक और स्वर्ग लोक इत्यादि उच्च लोक, इनकी सृष्टि होती है, इनका विनाश होता है, और इन सब में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस ये प्रकार के कष्ट है। लेकिन आध्यात्मिक जगत वैकुंठ, जहां इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वो परम गंतव्य है। तो भौतिक इच्छाओं के कारण वो जाता है स्वर्ग लोक में और फिर पुनः इस जगत में आता है। और इस जगत में कैसे उसको क्या स्थान प्राप्त होता है इस जगत में? भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम अर्थात पवित्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, जहां बचपन से संस्कार प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे परिवार में जन्म लेने से वहां पर शिक्षा दी जाती, मांसाहार नहीं करना, सुबह जल्दी उठना, शास्त्रों का अध्ययन करना, अपने जीवन के प्रयास से भगवान की सेवा करना, अधिक लोभ नहीं करना, धन जो एकत्रित किया है वो भगवान की सेवा में लगाना, इस प्रकार की शिक्षा कई परिवारों में दी जाती है। और ऐसे भी परिवार हैं जहां बचपन से ही मांस खिलाना, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि विदेश में ये स्थिति है, अभी तो बालक ने जन्म लिया है और माता पिता ही कुछ मांस का सूप बनाकर उनको पिलाते हैं, उनको तो पता भी नहीं है क्या सही क्या गलत है, शिक्षा तो वहीं से दी जाती है। जैसे
गाय को मार के खाना विदेश में, गोभक्षण, ये बचपन से सिखाया जाता है। और जैसे जहाँ पवित्र परिवार में ऐसे सिखाया जाता है कैसे गाय की सेवा करना, कैसे तुलसी की सेवा करना, कैसे एकादशी व्रत पालन करना, ये सब शिक्षाओं को सिखाया जाता है। तो कितना प्रभाव है जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उन शिक्षाओं से हमारे आगे का जीवन निर्धारित होता है। हम देखते हैं अधिकांश जो ऐसे परिवार में जन्म लिए विदेश जाते हैं कई बार जॉब करने के लिए। आज जैसे जो माहौल है, इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद विदेश जाते हैं और धन आता है तो अच्छा, वो भौतिक भोग में लिप्त हो जाते हैं, घर गाड़ी इत्यादि, लेकिन वो तब भी समझ पाते मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो घर के जो संस्कार है उसका प्रभाव है। त्या भगवान कहते हैं ऐसे पवित्र परिवार में जन्म होता है, सुचिनाम श्रीमतांगे है, श्रीमतांगे अर्थात धनी परिवार में, वैश्य परिवार में, जहां पर जीवन में पर्याप्त धन है, धन एकत्रित करने के लिए प्रयास नहीं करना है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकता नहीं है तो भी कठिन हो जाता है ना। हम जाएंगे प्रचार में, किसी के भगवद गीता पढ़ो, कहां समय है, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कार्य कर रहा हूं 2 रोटी को प्राप्त करने के लिए, घर नहीं है, धन नहीं है, कौन बच्चों को पढ़ाएगा, घर में इतने लोग बीमार हैं, उनकी दवाई के लिए धन कहां से लाएंगे, तो उनके लिए बहुत कठिन है समय निकालना आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो भगवान कहते हैं श्रीमताम, ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहां पर बहुत धन है, उनको सोचना ही नहीं है। और हम देखते हैं भगवान की इस व्यवस्था से बहुत सारे लोगों को ऐसे धनी परिवार में जन्म मिलता है जहां पुनः अपना योग अभ्यास जहां से फिर से वो प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं और उसी धन को लगाते हैं और इंद्रतृप्ति करने में, और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे धनी परिवार हैं, और हम देखें आज के जगत में जो प्रसिद्ध लोग हैं, अभिनेता अभिनेत्री, उनके पास बहुत धन है लेकिन उस धन का और दुरुपयोग कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को समझने का कोई प्रयास नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि पवित्र परिवार में जन्म होना, अपवित्र परिवार में जन्म होने का प्रभाव हम देखते हैं जहां पर नशा, जुआ, मांसाहार, व्याभिचार, ये घर में जो प्रथाएं चल रही है तो वो इससे लिप्त हो जाता है। पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बच्चा भी सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, घर में मांसाहार चल रहा है तो वो भी उसके लिए सामान्य है, ये विचार भी नहीं आता कि मांस नहीं खाना है, ये सब प्राथमिक चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जिससे पुनः वहां से वो योग अभ्यास में आगे बढ़ सके। सुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते। फिर भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे हैं तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। इसके पूर्व तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं, योग में जिसने प्रयास किया है और भ्रष्ट हो चुका है तो उनकी 2 श्रेणियां हैं। एक है जो बहुत थोड़े उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास किया विचलित हो गए और योग मार्ग से नीचे गिर गए, और जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। तो पहला जो उत्तर भगवान देते हैं सुचिनाम श्रीमतांगी है वो उनको ये उनके लिए है जो थोड़े समय के लिए वो योग अभ्यास किया है और उस मार्ग से नीचे गिर गए। लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत चिरकाल तक बहुत ही गंभीरता से योग अभ्यास में अपने आप को सौंपा और वो दीर्घ काल के बाद वो योग अभ्यास से नीचे गिर जाता है तो उसकी गति क्या होगी। भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एव, उनको मैं ऐसे परिवारों में जन्म लूंगा जहां पर पूरी परंपरा महान आचार्यों की चल रही है, योगी नाम एव। जैसे एक महान पिता से जन्म लेना जो भगवान के शुद्ध भक्त है। श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य बताते हैं कि भगवान की विशेष व्यवस्था से उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
उनका प्राकट्य हुआ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में, जो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के महान पार्षद हैं। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने का परिणाम क्या होगा? बचपन से केवल भगवान है, भगवान की सेवा करना है, या अपने जीवन का धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, केवल ये शिक्षा नहीं है, विशेष संस्कार और विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है। शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में प्रशिक्षण और पूरे जगत को कैसे भगवत चेतना से आप्लावित करना है उसका भी प्रशिक्षण है। तो हम देखते हैं कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ट्रेन किए, उनको कैसे प्रशिक्षित किए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। जब भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में थे तब एक ऐसा वातावरण था कि वैष्णव शिक्षा मतलब निम्न शिक्षा है, उस प्रकार का जो माहौल था। जैसे भगवान यहां पर आए और भगवान रासलीला किए तो वैष्णव शिक्षा इस तरह से परिवर्तित हो चुकी थी कि बहुत सारे लोग भगवान का अनुकरण करते थे, यद्यपि भगवान रासलीला कर सकते तो हम भी रासलीला करेंगे। तो वैष्णव धर्म को बहुत ही निकृष्ट रूप से देखा जाता था। बहुत सारे बाबा जी थे, वे विधवा स्त्रियों को अपने दासी के रूप में रखते थे, वो कहते थे सेवा दासी। और ये वैष्णव विचारधारा थी उस समय। तो भक्ति विनोद ठाकुर देखें कि ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से पूरे च्युत हो चुके हैं, उस शिक्षा को पूरा परिणित कर दिया है, तो इसको बदलना होगा। तो स्वयं वे लिखते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बाद बहुत सारे अपसंप्रदाय आए, आउला बाउला साखी बेखी चूड़ाधारी गौरांग नगरी, जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहते थे लेकिन वो वास्तव में अनुयायी नहीं थे। तो ऐसे एक संप्रदाय है बाउल। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखे अलग नाम से, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारे ग्रंथ लिखे लेकिन एक नाम से चांद बाउल। तो ये बाउल संप्रदाय में जो चल रहा है उसके बारे में वो लिखते हैं। वो कहते हैं ना के तिलक एक वैष्णव के लिए क्या है, वैष्णव क्या चिन्ह है? तिलक है मस्तिष्क पर, गले में कंठी की माला है, वैष्णव परिधान है, हाथ में जपमाला है और भगवान की सेवा में रथ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना के तिलक गलायर माला, नाक में तो तिलक है गले में माला है, संगे एक परेर बाला, लेकिन साथ में किसी अन्य की स्त्री को लेके वो घूम रहा है, तो वैष्णव नहीं है, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। तो ये सब वैष्णव समाज में इस प्रकार की विकृति चल रही थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये परिवर्तन लाना मेरे लिए बहुत कठिन है, आप अपने किसी पार्षद को भेजें। तो भगवान उनके घर अपने विशेष पार्षद को भेजते हैं श्रील भक्तिदानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को। और हम देखते हैं कैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रशिक्षित किए। भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें बताते हैं आपका यहाँ प्राकट्य इसी उद्देश्य के लिए है, इन सभी संप्रदायों को एक्सपोज करना है और शुद्ध वैष्णव धारा उसको आगे बढ़ाना है। तो यहां भगवान कहते हैं कि जिस योगी ने चीर समय तक योग अभ्यास किया है लेकिन किसी कारणवश वो योग अभ्यास से भ्रष्ट हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा? उसे ऐसे महान वैष्णवों के घर में स्थान प्राप्त होगा जहां बचपन से ही बहुत प्रगाढ़ शिक्षा दी जाएगी शुद्ध भक्ति क्या है और इस शुद्ध भक्ति को पूरे विश्व भर में कैसे प्रचारित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं यहां पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है। भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम, ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत 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 दुर्लभ है, सामान्य रूप से मिलता नहीं है, है ना। हम देखते हैं अगर हमारा जन्म होता है वहां पर कोई भक्ति अभ्यास करना चाहता तो माता पिता बोलते हैं मत करो, है ना, और कहीं कह सकते ठीक है करना है तो करो, आपकी जो इच्छा है करो। लेकिन घर में शिक्षण नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां पर बचपन से माता पिता द्वारा प्रशिक्षण मिलता है,
भगवान की सेवा को गंभीरता से करना ये कितना दुर्लभ है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। तो प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति होती है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। है ना, हम देखते हैं गोस्वामी सरनेम है लेकिन उस गोस्वामी परिवार में कहीं पर भी प्रशिक्षण नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, है ना। गोस्वामी अर्थात जिसने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण किया है। प्रभुपाद समझाते हैं इसीलिए वृंदावन के मंदिरों में ना जो पुजारी हैं जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया है उनको ये पदवी दी जाती है गोस्वामी। जैसे गोस्वामी परिवार थे लेकिन अभी सब च्युत हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो प्रभुपाद स्वयं के बारे में बताते हैं कि उनके पिता कैसे श्रील प्रभुपाद को प्रशिक्षण दिए भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के बचपन के समय में माता जी ने रखा गणित के ट्यूशन और पिताजी चाहते थे कि मेरा पुत्र शुद्ध वैष्णव बने। उन्होंने भगवान की सेवा के लिए मृदंग की कक्षाएं के लिए एक शिक्षक को रखा और नियम यह था कि जब तक मृदंग का टीचर शिक्षा देकर घर से बाहर नहीं जाता तब तक गणित का टीचर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्थिति थी। तो यहां श्रील प्रभुपाद इस चीज को बताते हैं कि कितना दुर्लभ है ये अवसर को प्राप्त करना। फिर आगे भगवान कहते हैं स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करने के बाद या तो ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेने के पश्चात या महान आचार्यों के कुल में जन्म लेने के पश्चात फिर उस युग की क्या स्थिति होगी। भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभन्ते पौर्वदेहिकम यदते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करेगा और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोगम, जैसे ऐसे परिवारों में जन्म प्राप्त होता है तो तुरंत ही पूर्व स्मृति लभते पौर्व देहिकम, क्योंकि पूर्व जन्म में जो प्रयास किया था वो स्मृति तुरंत ही प्राप्त होती है और वो स्मृति के पश्चात वो फिर से बहुत गंभीरता से अब प्रयास में लग जाता है जो चीज शेष है उसको पूर्ण करने के लिए। जो कृष्ण भावनामृत अधूरी रह गई थी जिसके कारण पुनः इस जगत में आना पड़ा वो फिर से पूरा प्रयास करते हैं उसको पूर्ण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कई प्रवचनों में बताते हैं जैसे कई बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों कहते थे कि आप सब योगी हैं। जो विदेशी शिष्य थे प्रभुपाद के, प्रभुपाद उनको बताते आप सब योगी हैं, पूर्व जन्मों में आपने बहुत प्रयास किया है योग मार्ग में आगे बढ़ने का लेकिन वो अपूर्ण होने के कारण भगवान ने आपको अवसर दिया है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने का, इसीलिए अभी ये जीवन में कुछ शेष नहीं छोड़े, अभी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़े, इसी जीवन में पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इस जीवन में पूर्ण नहीं हुआ तो पता नहीं दूसरा अवसर कब मिलेगा। जैसे हम देखते हैं अगर हम भक्ति में गंभीर नहीं है तो उसका गौण प्रतिफल होगा स्वर्ग लोक की प्राप्ति। स्वर्ग लोक को प्राप्त करना कोई मुख्य कार्य नहीं है, वो साइड फल है। जैसे हम किसी स्पर्धा में भाग लेते हैं और किसी स्पर्धा में हमने भाग लिया लेकिन हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आए तो क्या होता है, सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉन्स्टेलेशन प्राइस, है ना, भाग लेने का एक सर्टिफिकेट।
तो एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि भाग लेने का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन वो तो उद्देश्य नहीं था। तो यहां यद्यपि भक्ति योग को अगर हम गंभीरता से स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी योग मार्ग में, और उसकी सर्वश्रेष्ठता है भक्ति योग, अगर उसमें हम पूर्ण रूप से गंभीर नहीं है, भौतिक अभिलाषाओं को संजो के रखे हैं, तो परिणाम क्या होगा? योग मार्ग पूरा नहीं हो पाएगा और हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और वहां पर बहुत लंबे समय तक उपभोग करेंगे और फिर वापस आएंगे। लेकिन जब वापस आएंगे तो ये स्वर्णिम अवसर है। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये तो केवल इसी 10,000 वर्षों के लिए है। तो जब हम वापस आएंगे तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। ये भक्तों का संग और इतनी सरलता से भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये अवसर शायद हमारे पास नहीं हो। हाँ, तो फिर गतागतम काम कामा लभन्ते, जब वापस आएंगे और तब हम यहाँ पर शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर कर्मकांड में संलग्न होना, फिर स्वर्ग लोक जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना। तो इसीलिए एक योगी फिर पुनः स्मरण होने के बाद बहुत ही गंभीरता से यततः, यततः मतलब प्रयत्न करना, ततो भूयः सम सिद्धौ कुरु नंदनः, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। फिर भगवान कहते हैं आगे, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यवशोपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। अनुवाद, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो क्या होगा, क्योंकि पूर्व चेतना को प्राप्त किया है तो अनायास वो अनायास आकर्षित होता है। हम देखते हैं कई बार जैसे कहीं भक्त कीर्तन करने जाते हैं और एक व्यक्ति पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा है, हमारा ऐसा अनुभव रहा है। हम जब हमारी संकीर्तन वान में जब कहीं जाते हैं तो ऐसे कई बार अवसर होता है कि वान को कोई पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, कार में कीर्तन बज रहा है और कीर्तन सुन के वो कई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जब गाड़ी रुकती है तो वो पास में आके बोलते हैं, ये हरे कृष्णम आप कहाँ से आए हैं, तो ये आकर्षण कहाँ से है? पहली बार हरे कृष्णा सुना लेकिन वो आकृष्ट हो गया, तुरंत ही वो पुस्तक देखते तो वो बहुत अच्छा लगता है, पुस्तक ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा, तुरंत पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो पुस्तक पढ़ते हैं कि सेवन मुखे ही जिह्वाद हो, भगवत चेतना का उद्गम होगा भगवान के दिव्य नामों का जप करने से, तो वो जप करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भक्त आते हैं यहाँ पर और एक दो दिन में कितना माला करना चाहिए, 16 माला, तो 16 माला करना स्टार्ट कर देते हैं और मैं क्या सेवा करूँ, हर रविवार आना प्रारंभ कर देते गंभीरता से, हृदय में उत्कंठा हो रही है, भगवान की सेवा कैसे करूँ, भगवान की सेवा कैसे करूँ, भगवान की सेवा कैसे करूँ, ये उत्कंठा क्यों हो रही है? कई जगह पर ऐसा है कि हम बार बार बताते हैं भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करो, एक माला कर रहा हूँ, हाँ जब भगवान की कृपा होगी तब करेंगे, हाँ पुस्तक पढ़ना, टाइम कहाँ है पुस्तक पढ़ने का, ये ग्रंथ लीजिए बाद में लेंगे, अभी तो भगवद गीता ही चल रही है, श्रीमद् भागवतम लेंगे बाद में, लेकिन कई जगह उत्कंठा है। भागवतम भी ले लिया, गौर पूर्णिमा आ रही, चैतन्य चरितामृत ले लिया, पढ़ रहे हैं, भगवान की सेवा करें, तीव्रता से भक्ति योग में अपने आप को सौंप रहे हैं और उनकी बहुत तेज प्रगति हो रही है, तो ये क्यों होता है? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं क्यों, पूर्वाभ्यास है ना, जो पूर्वाभ्यास किया है ते नहीं वह उस व्यक्ति को रियते आकर्षण होता है, इसके प्रति आकर्षण होता है, ही अवश्योपि सह, और कोई उसके लिए स्वतः प्रयास नहीं कर रहा है, स्वतः ये आकर्षण हो रहा है, अपने आप को सौंप रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिज्ञासुर, हाँ वो और जिज्ञासा करेगा कैसे इस योग मार्ग में आगे बढ़ना, और उसका एक लक्षण क्या है, शब्द ब्रह्मादि वर्तते, शब्द ब्रह्मादि वर्तते अर्थात यहां प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शास्त्र किन अनुष्ठानों को हम देखते हैं, वैदिक शास्त्रों का जो अधिकतर भाग है वो कर्मकांडीय भाग है, तो वो समझ जाता है कि ये तो भौतिक चीजें हैं, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, क्योंकि पूर्व जीवन में यही तो किया था, इसके कारण स्वर्ग गए और वापस आए और गए और वापस आए, तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से
ये लेन देन की वृत्ति से मुक्त हो जाता है। ये स्वतः चेष्टा, हाँ, भगवान की सेवा करना और कुछ सामने अभिलाषा नहीं करना, इस स्वभाव से सेवा कर। जैसे हम उनको कहेंगे आपने बहुत सेवा किया, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, हाँ, तो वे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कि यहाँ भगवान की सेवा करूँगा और 10 रुपये दूंगा 100 रुपये मिल जाएगा, हाँ, या मेरा बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि। स्वतः वो जानता है कि ये उद्देश्य नहीं है, और इस प्रकार से ये चेतना से वो भगवत योग में आगे बढ़ता है। और फिर भगवान कहते हैं, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता। इस प्रकार से प्रयास करते 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 अनेक जन्मों के बाद सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है, और क्या होगा, याति ततो याति पराम गतिम, और फिर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करता है। तो ये योगी की स्थिति है, कभी भी नाश नहीं होगा, जहां पर हम रुके हैं वहां से भगवान अवसर देंगे, भौतिक इच्छा है तो उनको भी पूर्ण करने का अवसर देंगे, और फिर से भगवान हमको ऐसे परिवार में जन्म देंगे जहां से हम योग अभ्यास में अपने आप को फिर से संलग्न कर सके। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो फिर स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे, भगवत धाम को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भक्तों का ये लक्ष्य नहीं है। भक्तों का लक्ष्य, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीट जन्म हो जथा तुहार दास, बहिर्मुख ब्रह्म नहीं मुराश। इस जगत में सर्वोच्च स्थान है ब्रह्मा का स्थान, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं, सत्य लोक उनका जो लोक है सर्वश्रेष्ठ लोक है। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब हमारे 1000 दिव्य युग, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भक्त कभी उसकी वांछा भी नहीं करते। वो कहते हैं कि एक कीड़े का जीवन छोटा सा जीवन है, हम देखते हैं कुछ घंटों का हो सकता है या कुछ दिन का हो सकता है, वो भी जीवन हम ग्रहण करेंगे यद्यपि आपकी सेवा वहां प्राप्त हो। कीट जन्म हो जथा तुआर दास, अगर आपका दास बनू कीड़ा बन के भी तो ये स्वीकार है। बहिर्मुख ब्रह्म नहीं मोरास, और भगवान से बहिर्मुख होके बहुत बड़ा ब्रह्मा जी जैसा ऊंचा पद प्राप्त करना, या इसी जीवन में बहुत बड़ा बाबू बनना, टाटा बनना, बिरला बनना, लेकिन भगवत भक्ति से विहीन है तो वो अस्वीकार है, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा भक्तों का मनोभाव होना चाहिए, और भक्तों को समझना चाहिए कि ये बहुत गंभीर शिक्षाएं हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग अभ्यास में हमेशा ये स्थिति होगी पतन की। योग अभ्यास क्या है, श्रील प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, दिव्य मार्ग आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धाबा बोलने जैसा है। माया के साथ युद्ध करना, जैसे यहाँ कोई बहुत बलवान व्यक्ति है, जब तक हम उसके आदेशों को पालन कर रहे हैं जबरदस्ती, वो जो कुछ ही बोल रहा है हम कहेंगे यस सर यस सर यस सर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई विरोध करेगा, मैं तुम्हारी बात को पालन नहीं करने वाला हूं, तुमसे जो हो वो कर लो, फिर तो समस्या प्रारंभ होगी। फिर तो वो बताएगा कि ठीक है मेरी बात को नहीं मानोगे तो देखता हूं, तब पूरा हमारे जीवन में उथल पुथल होगी। तो ये स्थिति है, प्रभुपाद कहते हैं दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धाबा बोलने जैसा है। तो जब हम इस भक्ति योग में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते तब क्या होगा, फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। तो फिर माया कहती है ठीक है, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, क्या नहीं चाहिए, देखते हैं कब तक आप इससे बच पाएंगे।
और इस प्रकार से माया प्रयत्न करती है, माया प्रयत्न करती है कि हम वास्तव में शुद्ध हो जाए और वास्तविक रूप से भगवान को शरणागत हो सके। तो ये स्थिति रहेगी, इसलिए हमें गंभीरता से सतर्क रहना है और प्रयास करना है। और भक्ति योग में पतन कैसे हो सकता है? यद्यपि अगर हम गंभीरता से भी विधि विधानों को पालन नहीं करेंगे तो पतन के समान है। जैसे हर रोज माला कर रहे हैं, आज एक दिन नहीं किया, क्या होता है? एक दिन माला नहीं किया तो हमारे हम जो वचनबद्ध हैं उससे हम नीचे गिर जाते हैं। और फिर धीरे धीरे एक दिन माला नहीं किया तो आज नहीं किया तो कल भी नहीं किया, परसों रिकवर कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे एक दिन नहीं किया, दो दिन नहीं किया, तीन दिन नहीं किया, और ऐसे करते 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 हमारा स्वभाव हो जाएगा, आठ माला तो कर ही रहा हूँ, पाँच साल तो माला सोलह किया ही था, है ना, सेवा भी कर रहा हूँ ना, आठ माला कर रहा हूँ साथ में सेवा भी कर रहा हूँ, तो चल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से फिर माया प्रवेश करती है और फिर आगे जाके हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि हमारा जप करना या भगवत भक्तों का संग करना ये सब छूट सकता है। तो हमें गंभीरता से प्रयास करना है। और एक और चीज़ है कि एक है कि अनायास रूप से हम योग मार्ग से गिर गए, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझना है कि योग अभ्यास कर रहे हैं गंभीरता से, वो नीचे नहीं गिरे हैं, लेकिन योग अभ्यास पूर्ण उससे पहले शरीर छूट गया। ऐसा नहीं है कि हमने इसी जीवन में योग अभ्यास को छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं और मान लीजिए चार पांच दिन के बाद हमारा शरीर छूट जाता है तो हमारा योग अभ्यास तो पूर्ण नहीं हुआ था, फिर क्या होगा, उस योगी की क्या दशा होगी? इसलिए भगवान कहते हैं दुर्गतिम नहीं होगी, फिर से ऐसे परिवार में जन्म दूंगा, वहीं से वो प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। यद्यपि आपके कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, योग का मतलब क्या होता है? योग का क्या मतलब होता है? हमने इतने पूर्व कक्षाओं में चर्चा किया, योग का अर्थ है जुड़ना। तो एक जीवात्मा का, एक अंश का, जो अंशी है परमात्मा भगवान, उनके साथ संबंध स्थापित होना, उसे कहते हैं योग। और योग जिस प्रकार से, जिस पद्धति से किया जाता है, इस तरह से योग के प्रकार होते हैं। जब योग मार्ग में प्रमुख आधार हैं अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना, तो वो हो जाता है कर्म योग। जब योग विधि में प्रमुख माध्यम है ज्ञान का अनुशीलन, जिससे भगवान से जुड़ना, जैसे ये तो भौतिक है, ये तो भौतिक है, नेति नेति नेति, इस प्रकार के ज्ञान के अनुशीलन से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, वो होता है ज्ञान योग। हाँ, और इस प्रकार से जब अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं, वो है भक्ति, तो वो है भक्ति योग। और अंततः भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि सारे मार्ग भगवत भक्ति में प्रवेश करते हैं, उसी के माध्यम से हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर पाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। वो आध्यात्मिक जगत में केवल भक्ति के माध्यम से हम प्रवेश कर पाएंगे। तो ये योग पद्धति है जी। मंत्र उच्चारण करता है, मंत्र उच्चारण करता है बिना अर्थ मालूम। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वैदिक मंत्र उच्चारण करता है, ठीक है, ठीक है, ये वैदिक मंत्र का उच्चारण करते 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 ऐसी स्थिति होगी कि हम वैदिक मंत्रों के अर्थ को समझेंगे। ज्ञाने परिसमाप्यते, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल मिलता है, लेकिन वास्तविक फल मिलता है जब वो ज्ञान पूर्वक करते हैं। जैसे हम दान दे रहे हैं, बिना किसी समझ के दान दे रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है किनको दान दे रहे हैं, हाँ, उसका फल कम होता है, लेकिन हम दे रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है ये भगवान की सेवा में नियोजित होगी इस व्यक्ति को देकर। इसलिए शास्त्र वर्णन ब्राह्मण को दान देना, क्योंकि उसका पूरा जीवन
भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, विशेष रूप से ब्राह्मण वैष्णव को दान देना, क्योंकि वो अपने लिए एक पैसा भी अपने लिए उपयोग नहीं करेगा। तो वो ज्ञान से ही वास्तविक प्राप्ति होती है। तो जब वैदिक मंत्र का उच्चारण करते 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 ऐसे स्तर पे आएंगे जब हम उसका अर्थ क्या है, इतना उच्चारण कि अभी जानना पड़ेगा इसका अर्थ क्या है, और इसका अर्थ और फिर उसके अनुसार हमारा पूरा जीवन नियोजित होगा, उस स्तर पर हम आएंगे, तो वो परिणाम होगा उसका। ध्यान के समय एक मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को एकाग्रचित कैसे करना, सबसे पहले जानना ध्यान किस पे करना। अगर जो ध्यान का विषय है वही सही नहीं है तो कैसे मन एकाग्र होगा, कृत्रिम चीजों पर ध्यान नहीं कर पाएंगे ना। जैसे आज हम देखते हैं किसी मोमबत्ती या किसी लाइट पर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान करने की विधि संस्कृति कहाँ है, शास्त्रों में है, और ध्यान किस पे करना ये भी वर्णन है। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी जन अपने हृदय में परमात्मा चतुर्भुज नारायण उन पर ध्यान करते हैं। तो ध्यान किस पे करना, ध्यान करने की विधि क्या है, और भगवान यहाँ कहते हैं कि वो मन तो एकाग्र करना कठिन है, लेकिन प्रामाणिक प्रक्रिया में अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास करके ये संभव है। और जो चीज़ हमें विचलित करती है उसकी विरक्ति, ये दोनों चीज़ों से संभव है ध्यान कर पाना। हाँ, जैसे उदाहरण स्वरूप इस युग के लिए ध्यान की विधि संस्कृति क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान के दिव्य नाम या दिव्य ध्वनि पर ध्यान करना। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा मन भगवान के पवित्र नामों पर ध्यान करता है। तो ये विधि है। अभी आंख बंद करके ऐसे हम बैठे हैं नींद आएगी, ये विधि नहीं है, और मन में भी अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहेंगे। इस युग के लिए इसलिए विधि है भगवान के दिव्य नामों पर ध्यान करना। अब ये ध्यान करने पर भी मन भागेगा, इसलिए हम प्रामाणिक आचार्य और शास्त्र से सुनते हैं बार बार कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। तो जैसे ही मन भागता है, विचार तुरंत विचार आता है कि मन अभी जा रहा है, फिर से सुनो। प्रभुपाद अपनी शिक्षा में बार बार बताते हैं ये हरि नाम जप का क्या विधि है, हरि नाम जप की विधि है सुनना, इस हरि नाम को सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुनना, ये विधि है। जो अच्छे से सुनेगा उसका मन एकाग्र होगा, जो सुनेगा नहीं, हरे कृष्ण और आंखें सब जगह घूम रही हैं, मन में प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मन जैसे भागे फिर से समझना, मैं नहीं सुन रहा हूँ, सुनना चाहिए, इसलिए फिर से सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जब हम सभी भक्तों के साथ हरि नाम सुनते हैं तो मन नहीं भागता है। जैसे हम जब पूरा कीर्तन में अपने आप को समन्वेश करते हैं तब मन नहीं भागता है, अकेले अकेले मन भागता है। तो अभ्यास करना चाहिए इस चीज को। जी, धर्म क्या है ये जानना पड़ेगा पहले, तो धार्मिक की क्या परिभाषा है, है ना। धर्म तो हम मन से नहीं बनाते ना, तो धर्म क्या ये भी शास्त्र में समझना है। जैसे भगवद गीता की जब भूमिका पढ़ेंगे तो वहां श्रील प्रभुपाद इस विषय को समझाते हैं। धर्म मतलब ये शब्द आता है द्री धातु से, जिसको हम धारण करते हैं, जो कभी भी हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। जी, उन्हें भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना है। जी, अगर कोई लक्ष्मी जी का उपासक है तो क्या वो धार्मिक? लेकिन लक्ष्मी जी का उपासक नहीं है वो। लक्ष्मी जी का उपासक है मतलब जो लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहता है, और लक्ष्मी जी की सेवा करना है लक्ष्मी जी को भगवान नारायण के स्थान में चरणों में स्थित करना। लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, वो सभी जगह पर चंचल है, किसी के पास नहीं रुकती है, क्योंकि उनका मूल स्थान है भगवान नारायण के चरणों में स्थित होना। तो एक वास्तविक लक्ष्मी का सेवक है वो लक्ष्मी जी की सेवा करता है भगवान नारायण की सेवा में नियोजित करके।
आज जो लक्ष्मी जी के सेवक हैं वो लक्ष्मी को चाहते हैं बिना नारायण के, वो लक्ष्मी की सेवा नहीं कर रहे, लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं। लक्ष्मी है मेरी सेविका, जैसे रावण ने किया, सीता को भगवान राम से अलग किया। लक्ष्मी आएंगे करते क्या हैं, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं, बहुत बड़ा LCD TV लेते हैं, यही करते हैं ना, फॉरेन घूमने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, करोड़ रुपए की शादी करते हैं, लक्ष्मी लेके करते क्या है। वास्तविक लक्ष्मी की सेवा होगी भगवान नारायण की सेवा में, बिना नारायण के लक्ष्मी की सेवा नहीं हो सकती। तो वास्तव में भौतिकतावाद धर्म नहीं है, हमारी बीमारी है। हमारी बीमारी अवस्था में हम इस इंद्रिय विषय से आसक्त हैं, हमारा मूल आसक्ति है भगवान कृष्ण के साथ, वो भूलकर हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसलिए हमें समझना होगा पहले से धर्म क्या है। इन जड़ चीजों से हमारा कोई स्वभाव है, हमारा कोई संबंध है ही नहीं। जिन चीजों के साथ हम संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा घर वो कभी आपका था ही नहीं, आपका रहेगा भी नहीं, मेरा परिवार वो भी नहीं रहेगा, ना था, ये सब कुछ कृष्ण का है। तो जो हम समझा रहे थे भगवद गीता की भूमिका में, प्रभुपाद बताते हैं हर एक चीज की एक मूल वृत्ति है। जैसे जल की वृत्ति है तरलता, वो आज से 5,000 वर्ष पूर्व तरल है और 5 करोड़ वर्ष भी तरल ही रहेगा और किसी भी देश में वो तरल रहेगा। इसी प्रकार से शक्कर है मीठा, मीठापन शक्कर का धर्म है, तीखापन मिर्ची का धर्म है। इसी प्रकार से एक जीवात्मा का धर्म है सेवा करना। आप किसी भी जीव को यहाँ देख लीजिए, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, या परिवार की, या अपनी कंपनी की, या देश की, या अपनी इंद्रियों की, हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो बीमार अवस्था में। एक जीव का धर्म है सेवा करना, सेवा करना भगवान की। जैसे अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। ये है धार्मिकता, ये पहला सोपान है, फर्स्ट स्टेप। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान द्वारा दिया गया है वो धर्म है। तो हमारा क्रमशः शुद्धिकरण के लिए भगवान हमको अवसर देते हैं। भगवान जानते हैं कि हम 0 से 100 में तुरंत नहीं पहुंचेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं धर्म समझो भौतिकता स्तर पर, उसके अर्थ पर अर्थ काम मोक्ष ये सब सोपान है। लेकिन वास्तविक धर्म है सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण को शरणागत होना। तो ये सरलता से आप समझ पाएंगे, आप श्रील प्रभुपाद की ये भगवद गीता यथारूप है उसको गंभीरता से पढ़िए, यहाँ नियमित रूप से आइए और जो भक्त गंभीर हैं उनके संग में आप प्रयास कीजिए, भगवान की व्यवस्था से हम इन चीज़ों को अच्छे समझ पाएंगे। और भगवान नहीं कह रहे हैं कि आप धन को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी चेतना को शुद्ध करना है। अभी हम धन कमा रहे हैं अपने लिए और उससे हम लोग, हमें लगता है हम सुखी रहेंगे, या अपने लिए, या अपने लिए के विस्तार से, ये भी हमें समझना है। मेरे लिए नहीं कर रहा हूं लेकिन किसके लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, परिवार क्या है, मेरा विस्तार है। मैं 2 लाख का बाइक नहीं घुमाऊंगा लेकिन मेरा बेटा 2 लाख की बाइक घुमाएगा, यही हो रहा है ना। मेरे लिए, परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, वो क्या और विस्तार हुआ, भोपाल वासियों के लिए इस धन का उपयोग करूंगा, भोपाल वासियों के लिए, मतलब भोपाल वासियों की इंद्र तृप्ति के लिए। कोई कहेगा भोपाल नहीं मैं तो पूरे भारत के लिए, तो भारत की इंद्र तृप्ति के लिए। कोई कहेगा नहीं सारे मनुष्य के लिए, तो मनुष्य की इंद्र तृप्ति के लिए है। तो इंद्र तृप्ति ये सब है किसका, कृष्ण का, कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं। तो भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं इन इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगाना। आपको धन कमाना है धन कमाइए, लेकिन इसका उपयोग कृष्ण के लिए कीजिए। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे उसे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब भगवान का श्रृंगार करेंगे, हमारे बड़े बड़े महल बनाने से लाभ नहीं होगा, लेकिन जब भगवान का अभूतपूर्व मंदिर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि लोग की चेतना नहीं है भगवत साक्षात्कार करना, लेकिन जब एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनता है तो लोग दूर दूर से उस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और फिर वहां समझते हैं कि वास्तव में जगत के स्वामी कौन है। मंदिर को देखकर भगवान की महानता या भगवान के ऐश्वर्य का उसकी स्थापना की जाती है कि देखिए भगवान का ऐश्वर्य क्या है, और इस तरह से वो क्रमशः भगवान के प्रति समर्पित होता है। तो इन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान इच्छाओं को बंद करने के लिए नहीं कहते हैं,
अगर कोई बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो भगवान के लिए बनाइए, अगर धन कमाना है तो भगवान के लिए बनाइए कीजिए, अगर गाना है तो भगवान के लिए गाइए, नृत्य करना है भगवान के लिए कीजिए, एक एक चीज भगवान की सेवा में उपयोग करना है, नियोजित करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय।